Let's move to the next para students. Para number 8, you can say. Okay. When I decided to go abroad for further studies, जब राइटर ने डिसाइड किया कि वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएंगे, बाहर जाएंगे, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट बिकॉज नाउ अब वो ग्रैंड मदर अपने पोते को देख भी नहीं पाएंगे, हार्डली एबल टू सी, सो इट विल बी द अपसेट टाइम. बट द राइटर हैज टू गो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डू फर्दर स्टडीज. सो आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. तो मैं 5 साल के लिए उनसे दूर जाने वाला हूं और उनका जो उम्र है, वन कुड नेवर टेल मतलब शी मे डाई एनी टाइम. अब कोई श्योरिटी नहीं है कि 5 साल बाद जब मैं लौट के आऊंगा तब मैं अपनी दादी माँ को देख भी पाऊं. तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है राइटर के माइंड में, क्योंकि मैं 5 साल के लिए बाहर पढ़ने जा रहा हूं, अपना डिग्री और भी ज्यादा फर्दर उसको डेवलप करने जा रहा हूं, तो शायद मैं जब आऊंगा उनका जो उम्र है, it may be impossible that I hardly see her after my 5 years. Okay, so that's why he's told the writer has written that at her age one could never tell. Koi bata nahi sakta ki kab kya ho jaye. One could never tell means anything can happen. But my grandmother could. Lekin unke grandmother ka ye belief tha ki 5 saal baad wo phir apne pote ko देख पाएंगे. इसका मतलब है उन्होंने अपने पोते को हमेशा इनकरेज किया. ही ऑलवेज यूज टू इनकरेज हर ग्रैंडसन. शी मे बी टेल हिम दैट डोंट टू फील पैनिक फॉर हर एंड दे विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट आफ्टर 5 years. ओके. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल यू नो, अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया, सैडनेस और टेंडरनेस. इट इज एन इमोशनल फीलिंग. ओके. तो सेंटिमेंटल होते हैं वो, इमोशनल होते हैं, रोने लगते हैं. उन्होंने ये सब इमोशंस नहीं दिखाया खुशवंत सिंह के सामने. तो दिस एक्सप्रेसेस दैट द ग्रैंड मदर इज वेरी हार्ड एंड ऑर्थोडॉक्स इन नेचर. वो अंदर ही अंदर तो फील कर रही थी सेपरेशन को, लेकिन कभी वो किसी के सामने उन्होंने व्यक्त नहीं किया. वो बहुत सख्त थी, इज वेरी टफ बाय हार्ट, और वो सारे पेन को खुद सह जाती थी और किसी को इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करती थी. ठीक है. सो एट हर एज वन कुड नेवर टेल, बट माई ग्रैंड मदर कुड. शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. उन्होंने बात भी नहीं किया, ज्यादा इमोशन भी नहीं दिखाया, लेकिन रेलवे स्टेशन में राइटर को सी ऑफ करने वो आई थी. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. तो हमेशा उसका लिप्स क्या था, प्रेयर बोलती थी. मतलब वो प्रेयर के माध्यम से अपने अंदर का जो तकलीफ है, दुख है, दर्द है, जो कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया करती थी. वंस यू गॉट अटैच्ड टू गॉड यू विल गेट लेस पेन. ऐसा बोला जाता है ना कि हम जब भगवान के साथ ज्यादा अपना कनेक्शन बना लेते हैं तब ज्यादा मोह माया जो होता है संसार में उससे थोड़ा हम दूर चले जाते हैं, तो तकलीफ भी थोड़ा कम होती है. तो इसी वजह से शायद ये इजी था ग्रैंड मदर के लिए 5 years को काटना, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी और वो हमेशा भगवान पे अपने आप को समर्पित कर चुकी थी, वहां सेक्रीफाइस कर चुकी थी. तो इसीलिए वो बहुत अपने आप को टफ रख पाई. ओके. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. वॉज लॉस्ट इन प्रेयर मीन्स कंटिन्यूअसली रिसाइटिंग प्रेयर्स. दैट मीन्स इस प्रेयर्स में दो पार्ट है. वन प्रेयर टू मेक हर टफ जिससे वो अपने आप को सख्त रख पाए, और दूसरे प्रेयर वो अपने ग्रैंडसन के लिए कर रहे हैं कि वो अच्छे से अपने वो अब्रॉड जाएं और वहां बहुत तरक्की करें, खूब नाम कमाएं. ओके. शी वेट स्टूडेंट. हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी. तो उनका जो फिंगर्स था वो बीड्स को काउंट करने में ही टाइम वेस्ट कर रहे थे. मतलब ऐसा लग रहा था राइटर को कि वो मेरे साथ मुझे कुछ अच्छा भला बुरा नहीं कहा, कोई इमोशन नहीं दिखाया, बस अपने बिड्स को लेकर और अपने प्रेयर को लेकर ही पड़ी रही. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. उन्होंने पोएट के माथे पे एक किस किया, किस्ड हर फोरहेड. एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस.
ओके और जब जब मैं निकल गया व्हेन शी गॉन अवे शी द राइटर जस्ट मेकिंग द फीलिंग दैट शी लुक्ड जस्ट अ वे शी इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग यू कैन से दैट शी थॉट इट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ हर अकॉर्डिंग टू द राइटर. उसे ऐसा लगा कि यही उनका लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है. ओके बिकॉज एज दे ऑल रीच द स्टेशन सी हेल्ड हिम टाइटली. उसे अच्छे से होल्ड किया, गले लगाया एंड किस्ड हिज फोरहेड. एट दैट मोमेंट द राइटर वॉज फीलिंग दैट थॉट दैट इट वॉज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ हर. ओके सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ eighth पैरा. Let's move to the next para also. It's a small para, so we can continue. But that was not so. That was not so मतलब ऐसा नहीं हुआ. जो मेरा डर था कि मैं अपनी दादी माँ को देख नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ. मतलब 5 साल बीत गए और वो अपने दादी माँ के साथ फिर से मीट किया, उनके साथ फिर से बात किया, उनको फिर से देख पाया. But that was not so. After 5 years, I came back. Came back means to return. I came back home. And was met by her at the station. The same incident. जब see off करने गए थे उनकी दादी माँ, अब फिर से जब वो लौटे खुशवंत सिंह, तब भी उन्होंने देखा कि जब वो स्टेशन में आए, उतरे जब स्टेशन में, तब वो उनकी ग्रैंड माँ वहीं खड़ी थी, उनका वेट कर रही थी. ठीक है, तो ये भी उन्होंने देखा. तो you will find a unity of the action here. The same action in see off. And while the return, you will find the same action happens. Okay, students. So, after 5 years, I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. That means, वो वैसी की वैसी ही थी. मतलब पहले ही writer ने बोल दिया था कि I can hardly found that a person can be more old than this. इससे ज्यादा कोई और बूढ़ा हो ही नहीं सकता. तो उनके मन में छवि सा बैठ गया था कि उसकी दादी माँ इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती. तो उन्होंने अपनी दादी माँ को सेम पाया, उनका सेम कम्प्लेक्शन, सेम फिजिकल कंडीशन में ही पाया. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल्ड सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. सो इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, राइटर को डांटा भी नहीं, या कुछ भरा बुला भी नहीं कहा, या अपने इमोशंस नहीं फील कराए, या कुछ अच्छा बात भी नहीं बताया कि बेटा मैंने तुमको बहुत मिस किया, जैसे नॉर्मल लोग किया करते हैं कि आओ बेटा थोड़ा तुमको गले लगाते हैं. हाँ, इसमें बोलते हैं कि बहुत मिस किया तुमको, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं, तुम कितने बदल गए हो, ये सब कहते हैं नॉर्मली. बट ग्रैंड मदर ने ये सब कुछ भी नहीं कहा, वो चुप रही. लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गले लगाया अपने पोते को. और जब गले लगाया तब खुशवंत सिंह सुन पा रहे थे कि वो प्रेयर्स ही रिसाइट कर रही हैं. सो द कॉमन थिंग इज द प्रेयर. ओके यू विल फाइंड द प्रेयर. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर विथ फ्रिवोलस रिव्यूज. ओके तो खुशवंत सिंह कहें कि मेरे आने से उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ. ऐसा नहीं है कि मैं आ गया इसीलिए उन्होंने स्पैरोज को टाइम नहीं दिया या मेरे साथ ही हमेशा बात करते रहे, ऐसा नहीं हुआ. जब मैं भी आया, जब मैं लौटा, मेरे आने का पहला दिन भी मैंने देखा कि उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था कि आफ्टरनून टाइम में स्पैरोज को फीड करना. एंड शी फीड लॉन्गर, बहुत देर तक वो इसको फीड किया करती थी. And with frivolous rebukes. Frivolous rebukes means light-hearted scoldings. मतलब थोड़ा थोड़ा वो scold किया करती थी sparrows को कि ये खाया करो, ये ऐसे एक sound निकाला करती जिससे ऐसा लगता है कि बहुत light scold. Light scold you can say is a type of love. When we lightly scold somebody, you will find a flavor of love in that. So it's not a proper scold. To hurt somebody, it is called to love someone. Okay, so this is the explanation of the extra understanding. Hope you have understood. Thank you.